नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल सानियाज FLF व्लॉग्स। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस चेक की होंगी और अगर आपको पसंद नहीं है तो ज़रूर लाइक कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है फूड पे। फूड में हम आज शेयर करने वाले हैं हेल्दी रेसिपी, जो है हरी मूंग दाल का चिला। ये रेसिपी सबसे बेस्ट है जो वेजिटेरियन लोग हैं। नॉन वेजिटेरियंस तो ऑब्वियसली इसको खा ही सकते हैं, बट वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन ऑप्शंस थोड़ी कम हो जाती हैं नॉन वेजिटेरियंस वालों के हिसाब से। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक लेंटिल, ये एक दाल ऐसी है जो बहुत ही हाई है प्रोटीन में और लो इन फैट। इट हैज़ गुड फाइबर कंटेंट, बहुत सारे विटामिन्स हैं इसमें। इट इज़ रिच्ड विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो इसकी रेसिपी जो है वो अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो द रेसिपी गोज़ लाइक दिस। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मूँग दाल का चीला, जिसके लिए मैंने मूँग साबुत को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। इसी के साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा करी पत्ता। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे जिसमें हरी मूंग दाल को हम डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे साथ में, थोड़ा सा अदरक डालेंगे। अदरक ऑप्शनल है, अगर आप अदरक का टेस्ट नहीं पसंद करते आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और डालेंगे हरी मिर्च, अगर आप हरी मिर्च नहीं पसंद करते हैं, तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। इन सब की अब हम एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को की कंसिस्टेंसी को आप वेरी कर सकते हैं, अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको थिक लगे तो आप इसको पतला कर सकते हैं, मुझे थोड़ा थिक ही पसंद है। और इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करते रह जाएंगे और ये हमारा बैटर जो है तैयार है। अब चीला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक नॉनस्टिक तवा या नॉनस्टिक फ्राई पैन। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप कोई भी रेगुलर तवा या फ्राई पैन यूज़ कर सकते हैं। उसको एक तरफ से आप ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए। तवा या फ्राई पैन गर्म होने पर आप अपना बैटर डालिए। बैटर डालने के बाद इस फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए। जब आपको ऊपर बबल्स दिखने शुरू हो जाएं तो वो मतलब एक तरफ से वो पकना शुरू हो चुका है। इसके साथ आप इस बैटर के ऊपर आप थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसी के साथ आप डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे मध्यम आंच पे। अब आप इसको साइड से थोड़ा थोड़ा स्क्रैप करके देखें कि अगर ये पक गया है तो ये अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा साइड से। अब आप इसको फ्लिप कर दीजिए और दूसरी तरफ से पका लीजिए। ये बिल्कुल ऑयल फ्री कुकिंग है, इसमें किसी तरह का ऑयल नहीं यूज़ किया जा रहा। इसको हल्का हल्का पैट करते रहिए ताकि ये बराबर से पक जाए दोनों तरफ से। सो फ्रेंड्स, हमारा हरी मूंग दाल का चिला जो है वो रेडी है। आप इसको अगर क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी या दही के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like and share my channel and also press the bell icon. Until next time, thank you so much.